कोरोना वायरस की महामारी के चलते लगातार सरकार आम जनता को परेशानी ना हो उसके लिए सभी साधन जनता तक पहुंचाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। ऐसी ही एक कोशिश सरकार द्वारा सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर देखने को मिली, जहां पर एक यूनिट पर एक आदमी को 5 किलो चावल मुफ्त दिया जा रहा है। यह चावल ले जाकर लोग अपने घरों का पालन पोषण कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर सरकार की तरफ से 15 तारीख से 25 तारीख तक निशुल्क चावल बांटने की योजना शुरू की गई है। इस योजना से आम जनता को लॉकडाउन के चलते अपने घर का पालन पोषण करने में काफी मदद मिलेगी। सरकार का यह सराहनीय कदम है, लेकिन जिन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों पर यह राशन दिया जा रहा है, वहाँ पर प्रधानमंत्री की बात पर अमल नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंसिंग वहां देखने को नहीं मिली और एक दरोगा कुर्सी पर बैठे दिखाई दिया, जो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहा था बल्कि आराम फरमा रहा था। क्षेत्रीय पार्षद भी सोशल डिस्टेंसिंग कराने के लिए सुबह से ही मशक्कत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जनता को अभी भी कोरोना का भय दिखाई नहीं दे रहा और वह बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग किए चावल लेने पहुँच गए। यह चावल जनता को एक यूनिट पर 5 किलो दिया जा रहा है, जिसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा। लॉकडाउन में सरकार ने नई योजना चलाई, सभी गरीबों का चूल्हा जले, लेकिन सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान के मालिकों को यह भी देखना चाहिए कि कहीं प्रधानमंत्री की बात का उल्लंघन तो नहीं हो रहा। टोल क्या नाम आपका? मेरा नाम संजय सिंह सैनी, क्षेत्रीय पार्षद हूँ। क्या बांटा जा रहा है आज? यहाँ निःशुल्क राशन में चावल बांटा जा रहा है, 5 किलो पर यूनिट के हिसाब से। एक यूनिट पे 5 किलो बांटा जा रहा है, जिससे क्षेत्रवासियों को थोड़ी राहत मिली है। क्या लॉकडाउन की वजह से इतना बांटा जा रहा है या मतलब ऐसा निःशुल्क बांटा जा रहा है, पैसे भी ले जा रहे हैं? ना, पैसे कोई नहीं ले जा रहे, सब निःशुल्क बांटा जा रहा है। क्षेत्र की जनता की सुविधा है, यह सरकार ने करी अपनी तरफ से। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के जिस तरीके से पालन करने के लिए बोला गया, यहाँ कम देखने को मिल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग तो काफ़ी हद तक तो हमने ठीक करी थी, अभी दोपहर में थोड़ी धूप सी हुई है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं सुबह से हम भी, और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था कर रहे हैं। किस तरह से आप सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करने, क्या क्या कर रहे हैं आप इसके लिए? इसके लिए हमने वाइट पेंट से गोले बना रखे हैं, 50-25 एक तरफ है, जिससे पब्लिक को सुविधा रहे और दिक्कत ना आए। समय क्या है आपका, कितने बजे से कितने बजे तक रहेंगे यहाँ? हमारी ये 7:30 बजे से है, जब तक कि लोग सारे लोग जितने भी यहाँ पर खड़े हैं ले अपना राशन लेके नहीं जाते, जब तक हम यहीं हैं। रोल क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम, आज क्या बांटा जा रहा है आपका? चावल बांटा जो फ्री वाला बांट रहा है, 15 तारीख से 25। कितने यूनिट के हिसाब से? पर यूनिट 5 किलो। इस तरीके की लंबी लाइन लग रही है, क्या कारण है उसमें? ये आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है, ऑफिस में फ़ोन कर दिया मशीन वाले को भी, लेकिन ये ऊपर से ही सब प्रॉब्लम है। शुभम, यहाँ देखा जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग का भी थोड़ा सा यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, बहुत देर तक खड़ा है मशीन के कारण ही, पब्लिक की व्यवस्था सही नहीं हो पा रही, नहीं तो सुबह से लाइन से ही चल रही थी और हमने 1 तारीख से ही बैठा, जब भी सोशल डिस्टेंसिंग में हमारा नंबर 1 में अच्छा। रोल क्या नाम है? विनोद कुमार जी। विनोद जी, क्या लेना है यहाँ पर? 4 यूनिट। कितना? 5। कितनी यूनिट है आपकी? 7। 35 किलो आपने चावल दिया, तो क्या इसको कोई पैसा लिया गया है? नहीं सर, इसको कोई पैसा लिया। कितनी देर हो गई लाइन में लगेगा? 2 घंटे। 2 घंटे में अब जाके आपको चावल मिला है, कितनी खुशी है सरकार के लिए? अब खुशी तो यानी कि लॉकडाउन में कहीं ना कहीं सरकार अच्छा काम ये कर रही है कि आपको लॉकडाउन भूखे नहीं रहेंगे। खुशी बैठ होगी, तो बार बार चलते रहेंगे, कभी नरम कभी गर्म भी होता है।